हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के बारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 336 है। आप पार्ट नंबर 335 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि गलत संख्या कौन सी है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 15 हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 24 हो रहा है, 24 लेके यहाँ पर 34 हो रहा है, और 34 ले आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, 51 रहा है, 51 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 69 हो रहा है। अब आपको इसी में बताना है कि गलत संख्या कौन सी है। देखिए तो यहाँ पर 9 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 15 लिख रहे हैं, 9 में क्या करते हैं 6 को जोड़ देंगे, कितना 15 देगा, और 15 से क्या लिख रहे हैं, यहां पर 24 लिख रहे हैं, तो 15 में क्या करते हैं, यहां पर कि 15 में देखिए 9 में नहीं, यहाँ पर 9 6 15 होता है, यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे, यहाँ पर करेंगे 6 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 9 में जब 6 को जोड़ देंगे तो कितना गया 15 देगा, और 15 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 24 लिख रहे हैं, तो 15 में क्या करते हैं, 15 में आपको 9 को जोड़ देंगे, कितना गया 24 आ जाएगा, और उसी प्रकार से देखिए 24 में क्या करेंगे, 24 में आपको 10 को जोड़ देंगे तो कितना गया, कितना गया जाएगा, यहाँ पर 34 आ जाएगा, कितना गया 34 आ जाएगा। लेकिन देखिए ये श्रृंखला चल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है 6 दिया है, और 6 3 9 दिया है, यानी 3 का इसमें अंतर लगाया। देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 3 का अंतर लगाया तो यहाँ पर 6 से 3 हो रहा है, तो 6 में क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 आ रहा है यानी 1 को जोड़ रहा है, यानी इसका प्रकार से ये श्रृंखला नहीं चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाया, क्या किया है इसमें थोड़ा सा देखिए लॉजिक लगाया, किस प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, ये 10 नहीं होगा, ठीक क्या करेंगे ये 10 नहीं होगा, इसमें करना क्या होगा, तो यानी देखिए यहाँ पर 24 दिया ना, क्या दिए 24 दिए, और 24 में क्या करेंगे कि यहाँ पर 34 यानी क्या आ जाएगा 10, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, हमको 3 जोड़ना होगा। देखिए तो यहाँ पर 9 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना क्या है, यहाँ पर 12 जाएगा, यानी 24 में क्या करेंगे हमको 12 को जोड़ना होगा, तो 24 में जब 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर 4 2 6 हो गया, कितना आएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 1 3 आएगा, कितना का 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 36 आएगा, यानी 34 का जगह पर क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद में क्या करेंगे 36 आ गया, यानी 24 में 12 को जोड़ेंगे तो 36 आ गया, और 36 ले देखिए 51 लिख रहा है, तो 36 में क्या करते हैं, तो 36 में आपको यहाँ पर 15 को जोड़ देंगे तो कितना गया 51 आ जाएगा, और 51 से यहाँ पर देखिए 69 लिख रहा है, 51 में क्या करेंगे, 51 में आपको 18 को जोड़ देंगे तो 69 आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 देखिए यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, 12 से फिर क्या लिख रहे हैं 15 लिख रहा है, तो 12 से 15 लिख रहे हैं तो इसमें आपको 3 को जोड़ रहा है, यानी 12 में 3 को जोड़ेंगे तो 15 गया, और 15 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 18 गया। देखिए ई बी श्रृंखला आपको अच्छे तरीके से चल रहा है, और देखिए यहाँ पर 6 9 15 18, देखिए 6 9 यहाँ पर 12 15 18, ये भी आपको श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है, यानी इसका मतलब कि गलत कौन सी संख्या है। देखिए यानी 34 के जगह पर हमको क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए था, यानी 34 के जगह पर हमको 36 होना चाहिए, वही आपको क्या हो जाएगा गलत संख्या है। इसमें देखते हैं कि 34 किस ऑप्शन पर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 12 32 जो है 12 34 है ना, आपको यहाँ पर 41 32 ले समझते हैं, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर 67 82 जो है ना, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंध होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 12 34 है ना, यहाँ पर 12 34 जो है, यहाँ पर 12 34, ठीक, आपको यहाँ पर 41 32 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाए। देखिए अगर इसमें जोड़ेंगे माइनस करेंगे गुणा करेंगे किसी भी तरह से करेंगे तो यहाँ पर क्या 12 34 में से यहाँ पर 41 32 आएगा, नहीं आएगा, तो क्या करते हैं इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगाया है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या कहें, यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, तो देखिए 12 यानी 34 को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 41 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 41 32 लिखा है, 41 32 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या कहें, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इसको 4 को 4 लिख दिया, और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या कहें 1 को 1 लिख दिया है, और यहाँ पर 2 का 2 लिख दिया है, और यहाँ पर 3 का 3 लिख दिया है। देखिए उसी प्रकार से ये आपस में क्या है, ये आपस में संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक, इसको 2 रखेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर 6 के बाद में यहाँ पर क्या रखेंगे 6 को रखेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर तो आपको रहे करेगा 8 रहेगा, ठीक 8 रहेगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको आपको यहाँ पर रखेंगे यानी 7 को रखेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यानी जो आपका है देखिए यहाँ पर 12 जो 34 है वो आपको 41 32 ले जिस प्रकार से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर
68 82 जो है ना, आपको देखिए यहाँ पर 26 और यहाँ पर 87 से समझ हो गया, यानी 26 87 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 26 87 ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने आयत हैं। देखिए नीचे एक यहाँ पर एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कितने आयत हैं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस आकृति में आपको कितने आयत दिख रहा है, ठीक कितने आयत दिख रहा है। देखिए आपको आयत कितना दिख रहे थे, यहाँ से क्या हो गया, अगर इसको रख रहे हैं तो एक आयत बन गया, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर रख रहे हैं तो कितना बन गया, दो बन गया, और ई वाला आयत को रख रहे हैं तो कितना बन गया, तीन बन गया, ई वाला आयत को रख ले रहे हैं तो कितना बन रहा है, चार बन गया। अभी आयत कितना बन रहा है, चार बन रहा है, ठीक। चार के बाद में देखिए और बन रहा है, यानी चार के बाद में अगर इसको रखिएगा तो कितना गया, एक आयत ई बन गया तो कितना गया, पाँच हो गया, और इसके बाद में एक आयत ई बन गया कितना गया, छ आ गया, कितना गया, छ आ गया। आयत कितना दिख रहा है, छः दिख रहा है, और छः के बाद में देखिए ई बड़ा वाला आयत भी देख बनेगा ना, यानी छः एक बड़ा वाला आयत ही बनेगा तो कितना गया, सात आ गया, कितना गया, सात आ गया। और सात के बाद में देखिए और आयत बन रहा है, देखिए और आयत बनेगा, सात के बाद में देखिए ई वाला बनेगा कितना हो गया, सात एक कितना हो गया, ये आठ हो गया। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, आठ को रखते हैं, ठीक। ये कितना बन गया, आठ को बन गया, और आठ के बाद में देखिए आठ हो गया ना, और आठ के बाद में देखिए ई वाला भी बनेगा ना, आठ के बाद में ई वाला बनेगा, ठीक। देखिए ई वाला आठ क्या हो गया, नौ हो गया, कितना गया, नौ हो गया, यानी इसमें भी कितना बन रहा है, नौ बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है, नौ आकृति यानी नौ आयत हो गया, कितना हो गया, नौ आयत है, यानी इस आकृति में कितने आयत हैं, इस आकृति में आपको नौ को आकृति यानी आयत हैं, तो नौ आयत देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में रिजल्ट को कूट, यानी देखिए यहाँ पर लिख रहा है 250 176 है, उसी कूट भाषा में बताना है कि लेट का कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि किसी कूट भाषा में रिजल्ट को क्या लिख रहा है, रिजल्ट को आपको 250 यानी 176 लिख रहा है, ठीक। उसी कूट भाषा में आपको लेट को बताना है कि क्या लिखेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं रिजल्ट को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, फिर यहाँ पर ई लिख रहा है, फिर यहाँ पर एच लिख रहा है, यू लिख रहा है, एल लिख रहा है और टी लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, इसको देखिए यहाँ पर दो लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, पाँच लिख रहा है, जीरो लिख रहा है, फिर एक लिख रहा है, छः लिख रहा है, यहाँ पर 76 हो गया, सात 76 हो गया, कितना गया, 76। देखिए आर को क्या लिख रहा है, दो लिख रहा है, ई को क्या लिख रहा है, पाँच लिख रहा है, एस को क्या लिख रहा है, जीरो लिख रहा है, यानी आई का क्या लिख रहा है, यू का क्या लिख रहा है, यहाँ पर एक लिख रहा है, ठीक। और यहाँ पर देखिए एल का क्या लिख रहा है, सात लिख रहा है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, डी को छः लिख रहा है, या स्थानीय मान नहीं लिख रहा है, इसका मान ही दिया है, ठीक। अब आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि लेट, लेट बराबर क्या होगा। देखिए लेट का आपको कुछ भाषा में क्या लिखेंगे, देखिए इसी में आपको क्या दिया, लेट का आंसर दिया है, यानी रिजल्ट में आपको क्या दिया, लेट का आंसर दिया है। कैसे, देखिए यहाँ पर एल, एल का मान क्या लिख रहा है, देखिए एल, एल का मान यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर L का मान क्या लिख रहा है, सात लिख रहा है, हमको सात रख लेना है। उसके बाद में देखिए E, यहाँ पर E लिखा है, E का मान क्या लिख रहा है, देखिए E का मान हमें यहाँ पर पाँच रख रहे हैं, तो यहाँ पर पाँच को रख लेंगे। आगे देखिए T, T का मान कितना लिख रहा है, यहाँ पर छः लिख रहा है, यहाँ पर हमको क्या करना है, छः रखेंगे, क्या रखेंगे, छः रखेंगे। तो देखिए लेट को क्या लिखेगा, तो लेट को आपको यहाँ पर क्या होगा, 756 हो गया, तो 756 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए कि लड़कों को एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से छठा है और विनय यहाँ पर दाएं छोर से दसवां है। यदि राजन और विनय के बीच में आठ लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दे, यहाँ पर बोल रहा है कि एक लड़कों की एक पंक्ति में राजन जो है ना बाएं छोर से कितने छठे हैं, तो बाएं छोर से छठे हैं, तो बाएं छोर से कितना होगा, छठा हो गया। और विनय, विनय दाहिने छोर से कितना है, दसवां है, तो विनय छोर से कितना है, दसवां है, तो दसवां को रखते हैं दाहिने छोर से। अब बोल रहा है कि यदि राजन और विनय के बीच में आठ लड़के हैं, इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, आठ गो, तो आठ रख लेते हैं। आगे बोल रहा है लड़के हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, बोलेगा कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं। जब तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गैप, यहाँ पर जुड़ेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर 24 जाएगा, कितना गया, 24 जाएगा, यानी पंक्ति में लड़कों की संख्या कितना है, 24 गो है, तो 24 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 शब्द है, इन 4 शब्द को क्या करना है, सार्थक क्रम में दर्शाना है। देखिए सार्थक क्रम के मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि पहला में कह दिए फेफड़ा दिए, फेफड़े दिए, दूसरा में कह दिए नथने दिए, यहाँ पर तीसरा में श्वास नली दिया है, और यहाँ पर चौथा में कह दिए खून दिया है। इसको क्या करना है, हमको सार्थक क्रम में सजाना है। देखिए तो सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा होगा, इनमें देखिए सार्थक क्रम पूछ रहा है, सार्थक क्रम यानी सबसे पहले बताना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें कौन सी संख्या आएगी, यानी शब्द कौन सा आएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर नथने आएगा, क्या आएगा, नथने, यहाँ पर 2 हो गया, कितने का 2, नथने कितने दिए 2 दिए, नथने के बाद में यानी नाक हो गया, मैंने नथने के बाद में श्वास नली हो गया, फिर क्या होगा, श्वास नली कितने पर दिया 3 पर दिया, श्वास नली के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा, यानी श्वास नली के बाद में फिर क्या आएगा, नीचे फेफड़ा आएगा, तो फेफड़ा आपको कितने पर दिया है, यहाँ पर 1 पद है, फेफड़ा कितने पद है, 1 पद है ना, यहाँ पर फेफड़े कितने पद है, 1 पद है, यानी फेफड़े के बाद में क्या जाएगा, खून आ गया, यहाँ पर कितने दिए 4 पद है, यानी खून 4 पद है। देखिए इसको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, सबसे पहले नथने आएगा, नथने के बाद में यहाँ पर श्वास नली आएगा, श्वास नली के बाद में फिर फेफड़े होगा, फेफड़े के बाद में यहाँ पर खून हो जाएगा। यानी इस तरह का जो आपको है ना 23, 14 देखते हैं किस ऑप्शन ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी 23, 14 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों का पूरा करिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर अक्षर का एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि जो खाली स्थान दिया ना, ये खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन से अक्षर को यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि श्रृंखला को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी सभी श्रृंखला को गिन लेंगे कि कितना इसमें दिया हुआ है, जो आपका अक्षर लिखा है वो भी गिनेंगे और जो खाली स्थान दिया है उसको भी गिनना होगा। देखिए तो यहाँ पर गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कितने दिए, इसमें 18 को संख्या क्या दिए, 18 श्रृंखला दिए। अब 18 में से क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 18 गए और 18 में यहाँ पर 6 से भाग करेंगे तो कितने का 36, 18 गए, कितने का 36, 18 गए, यानी 3-3 के हिसाब से 6 भाग में बांटेंगे, क्या करेंगे 3-3 के हिसाब से 6 भाग में बांटेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 2-2 भाग में भी बांटना। देखिए 1, 2, 3 एक भाग हो गया, फिर यहाँ पर देखिए 1, 2 तो एक भाग रखेंगे, फिर 1, 2, 3 यहाँ हो गया, फिर यहाँ पर 2 भाग हो गया, 1, 2, 3 1, 2 यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर 1, 2, 3। देखिए 2 को क्या करना है कि 1, 2 यहाँ पर 2 और 3 तीन भाग क्या करना है, 3 भाग हमको 2 भाग में बांटना है, और यहाँ पर देखिए 3 भाग को 2 भाग में बांटना है, और जो 4 भाग है ना यहाँ पर 7 भाग हो गया, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग हो गए, और 3 भाग को हमको 2 भाग में बांटना है। देखिए जैसे 3 हो गए तो 3 भाग को क्या करना है, 2 भाग में बांटना है, और यहाँ पर 4 भाग को 3 भाग में बांटना है, कैसे में देखिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिए, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को यहाँ पर भरेंगे। देखिए अगर ऑप्शन ए को रखते हैं तो यहाँ पर क्या रखेंगे, बी को रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिए ए दिया है तो यहाँ पर ए को रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बी दिए यहाँ पर बी रखेंगे, यहाँ पर बी क्या रखेंगे डी रखेंगे, यहाँ पर क्या दिया डी डी दिया है ठीक, तो डी रखेंगे, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सी बोल रहा है, यहाँ पर भी सी रखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं कि एक समान आ गया है। देखिए आपको ई भी एक समान होना चाहिए, एक यानी ई भी एक समान होना चाहिए, ई भी एक समान और ई भी एक समान होना चाहिए, और जब आपको चारों एक समान होगा वही आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा ए बी सी, फिर यहाँ पर लिख रहा है ए बी सी, यहाँ पर क्या लिख रहा है ए बी सी, और यहाँ पर ए बी सी, ये देखिए ये चारों एक समान दिख रहा है, क्या दिख रहा है चारों एक समान दिख रहा है। उसके बाद में जो आपको दो दो दिया है ना, दो दो को भी देखेंगे ऑप्शन यानी सही दिख रहा है। देखिए बी भी दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी डी डी दिख रहा है यहाँ पर भी डी डी दिख रहा है, यहाँ पर डी डी दिख रहा है, और यहाँ पर ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चारों में एक समान मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पत्र जो है ना लिफाफा से समझते हैं, यानी उसी प्रकार से बताना है खंजर जो है इस प्रश्न अध्यक्ष चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंध होगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो आपको पत्र है ना वो लिफाफा से किस प्रकार से संबंधित है। तो पत्र पत्र कहाँ रहता है, यानी पत्र जो है ना पत्र पत्र किस में रखा जाता है, तो पत्र आपको लिफाफा में रखा जाता है, यहाँ पर करते हैं यानी रखा लिखते हैं ठीक, रखा जाता है यानी जाता है। देखिए पत्र जो है आपको लिफाफा में रखा जाता है, तो खंजर कहाँ रखा जाता है, तो खंजर आपको मयान में रखा जाता है, क्या यानी मयान में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है मयान में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर रखा जाता है ठीक, यानी रखा
जाता है। देखिए, जिस प्रकार से आपको पत्र है आपको लिफाफा में रखा जाता है, उसी प्रकार से खंजर जो है आपको म्यान में रखा जाता है। तो म्यान देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए, नीचे आपको यहाँ पर तीन शब्द दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी ऑक्सीजन लिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहा है और यहाँ पर वातावरण लिख रहा है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में समझते हैं और कौन सा इन चार वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको इन तीनों शब्द में से कॉमन देखेंगे कौन कौन सा मिल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो वातावरण मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं, वातावरण। मान लीजिए यहां पे क्या लिख रहा है, वातावरण लिख रहा है, तो यहां पर वो क्या लगता है, वातावरण हो जाएगा। ठीक, यानी वातावरण हो गया, यानी वातावरण। ठीक, क्या होगा, वातावरण, यानी वातावरण के अंदर में क्या आता है, ऑक्सीजन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी आते हैं। यानी वातावरण के अंदर में ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों आते हैं। कहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करें, वहाँ पर ऑक्सीजन को रखते हैं, यानी ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर क्या रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रखते हैं, यानी कार्बन रख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिखे, वातावरण। वातावरण के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है और वातावरण के अंदर में आपको यहाँ पर कार्बन यानी ऑक्सीजन भी आते हैं, यानी आपस में इस प्रकार से समझित होगा, यानी वातावरण वातावरण के अंदर में ही दोनों आते हैं। तो देखते हैं कि इस तरह का वेन डायग्राम जो है ना वो किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरणों को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे एक समीकरण दे, इन समीकरण में बताना है कि जो स्टार के चिन्ह है ना, स्टार के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा यानी चिन्ह को बदल देंगे कि समीकरण संतुलित यानी सही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार के चिन्ह पर संख्या को रखते हैं, क्या चिन्ह को रखेंगे, तो देखिए ऑप्शन ए को रखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है, यहां पर गुणा का चिन्ह दिया है, इसके बाद में क्या दिया है, माइनस दिया है, फिर उसके बाद में प्लस दिया है और यहां पर बराबर दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहां पर क्या लिखा गया, यहां पर दो हो गया, फिर गुणा कितना गया, तीन हो गया, फिर यहाँ पर माइनस कितना का दो हो गया, फिर यहाँ पर प्लस कितना का चार हो गया और बराबर में हमको आठ लाना है। देखिए तो बराबर में आठ लाना है, बराबर के पहले भी आठ आना चाहिए और बराबर के बाद भी आठ आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर कितना करते हैं, यहाँ पर आपस में गुना करते हैं, जब गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो तीन दुना का छः हो गया और छः माइनस कितना दिया, दो दिया, फिर प्लस में कितना दिए, चार दिए, फिर बराबर में आठ दिए। देखिए तो यहाँ पर छः को और चार को आपस में जोड़ लेते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी दस हो गया, और दस में से क्या करते हैं, दो को माइनस कर लेंगे, आठ हो गया और बराबर में कितना गया, आठ आ गया। देखिए फिर यहाँ पर देखते हैं तो दस में से दो को घटाएंगे तो आठ बचेगा और बराबर में भी क्या गया, आठ आ गया। यानी देखिए दोनों तरफ क्या गया, आठ आ गया, ये क्या गया, संतुलित हो गया, यानी संतुष्ट लिख लेते हैं, क्या करें, ये संतुष्ट हो गया, क्या गया, संतुष्ट हो गया। तो किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए से संतुष्ट हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए शीला रवि की भाभी हैं, यहाँ पर राम रवि के भाई हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि राम की पत्नी शीला है, यहाँ पर दीपा रवि की बहन है, यानी दीपा की माँ शक्ति हैं, यहाँ पर शीला शक्ति से कैसे संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर कह दिए, यहाँ पर आपको शीला जो है ना रवि की भाभी हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, शीला को रखते हैं। देखिए ये क्या हो गया, आपको शीला हो गया, शीला जो है ना वो क्या है, रब्बी की भाभी है, रब्बी के क्या है, भाभी है, तो यहाँ पर रब्बी के भाभी को रखते हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, रब्बी रखते हैं, ये रब्बी हो गए, रब्बी का भाभी कौन है, तो रब्बी का भाभी आपको शीला है, कौन है, शीला है, तो रब्बी का भाभी जब शीला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या गया, रब्बी का भाव, देखिए भाभी कौन हो गया, शीला हो गए, अब राम जो है ना राम रब्बी का भाई है, यानी रब्बी का भाई यहाँ पर राम को रखते हैं। ठीक, राम जो है ना वो रब्बी का भाई है, रब्बी का भाई कौन हो गया, तो राम हो गया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई हो गया और यहाँ पर भाई हो गया। ठीक, तभी तो आपको यहाँ पर ये क्या लगेगी, भाभी लगेगी, क्या लगेगी, भाभी लगेगी, ये तो आपको क्या होगा, पति पत्नी हो गया, यहाँ पर पति को रखते हैं, यहाँ पर पत्नी हो गया, क्या गया, पति पत्नी हो गया, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ रहा है कि राम की पत्नी यानी शीला है, राम की पत्नी कौन हो गया, शीला हो गया, ना राम की पत्नी कौन हो गया, शीला गई। ठीक है, आगे बढ़ रहा है कि यहाँ पर देखिए दीपा रवि की बहन है, दीपा जो है ना दीपा वो रवि की क्या है, बहन है, तो रवि का बहन कौन हो गया, दीपा, यहाँ पर दीपा को रखेंगे। ठीक, यानी दीपा हो गया।
दीपा क्या हो गई, बहन हो गई। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, बहन को रखते हैं, क्या करें, बहन हो गया। आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि दीपा की माँ, यानी दीपा की माँ शांति है, क्या है, दीपा की माँ शांति है। तो दीपा को माँ को यहाँ पर शांति को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, शांति है, ये क्या है, शांति हो गया। क्यों, दीपा की माँ है, क्या है, माँ है। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आगे बोल रहा है कि शिला शक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सोचिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिखाए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए रवि, रवि का भाई कौन है, राम है, और राम का पति कौन है, पत्नी कौन है, यहाँ पर शिला दिख रही है, क्या दिख रही है, शिला दिख रही है। तो यहाँ पर रवि का बहन कौन हो गया, दीपा हो गया। अब बताना क्या है, बताना है आपको कि शिला जो है ना, शिला, शिला शक्ति से कैसे संबंधित है, यहाँ पर शक्ति से कैसे संबंधित है, तो शिला शक्ति से कैसे संबंधित है, ठीक, यानी शिला जो है ना, शिला वो शक्ति से कैसी संबंधित है। देखिए शिला शक्ति से कैसी संबंधित है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर रवि, रवि का बहन कौन हो गया, दीपा हो गया, और रवि का बहन कौन हो गई, दीपा हो गई, और दीपा का माँ कौन हो गई, शक्ति हो गई। तो जब शक्ति दीपा की भी माँ लगी तो रवि की भी माँ लगी, और रवि और राम क्या है, आपस में दोनों भाई हैं, तो यहाँ पर राम की भी क्या हो जाएगी, माँ लगेगी। जब राम की माँ लगी और राम की पत्नी क्या दिख रही है, शिला दिख रही है। तो शिला और यहाँ पर शक्ति से किस प्रकार से संबंध है, यानी यहाँ पर में, यहाँ पर पुत्र वधु, यानी पुत्र वधु, यानी पुत्र वधु दिया है, क्या दिया, पुत्र वधु, यानी पुत्र वधु का मतलब यानी क्या हो गया, बहू हो गया, क्या हो गई, बहू हो जाएगी, क्या होगी, बहू हो जाएगी। तो बहू यानी पुत्र वधु, यानी पुत्र वधु को वही, यानी पुत्र की पत्नी क्या हो गई, पुत्र वधु होती है, वधु को यहाँ बहू भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बहू भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर जो शिला है, शिला शांति की बहू है, जो शिला है ना, शिला वो शांति की क्या लगेगी, बहू लगेगी। तो यहाँ पर बहू यानी पुत्र वधू देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर आपको कथन बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है कि सतलज नदी जब जब तक स्वच्छ थी तब तक वहाँ सिंधु डॉल्फिन पाई जाती हैं। यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कथन यहाँ पर बोल रहा है कि सतलज जो है ना, सतलज नदी यानी जब तक स्वच्छ थी तब तक वहाँ सिंधु जो है, सिंधु डॉल्फिन पाई जाती हैं। ये तो आपको कथन बोल रहा था, ठीक, क्या कथन बोल रहा था, लेकिन निम्न विकल्पों में से एक उपयुक्त चुने। इन चार ऑप्शन में से आपको सही बताना है कि समझ सही कौन सा बोल रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप्शन ए देखते हैं, कथन निश्चित रूप से सच है, यानी कथन बोल रहा है कि निश्चित रूप से सत्य है, यानी यहाँ पर जब नदी जो सतलज नदी है यहाँ पर जब आपको स्वस्थ था जब तक कहाँ, जब तक आपको डॉल्फिन पाई जाती हैं, क्या डॉल्फिन पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जब जी यानी कथन क्या बोल रहा है कि कथन निश्चित रूप से सत्य बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ठीक, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। आगे बोल दिया कि कथन यानी शायद सच है, ये क्या, ये संभावना बोल दिया कि शायद ही सच है, ये क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, कथन निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कथन आपको निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है, ये भी गलत बोल रहा है। कथन निश्चित रूप से गलत है, नहीं गलत नहीं है, सही है, यानी ऑप्शन ए ही होगा। ये को देखिए, सतलज नदी पर जब तक यानी स्वच्छ थी तब तक, देखिए जब तक वहाँ सिंधु डॉल्फिन पाई जाती हैं, ये सही बोल रहा है, यानी कथन निश्चित रूप से सच है, क्या है, सच है कि जब आपको स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ अगर जब तक रहेगा तब तक डॉल्फिन यानी सिंधु डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।